तो दोस्तों, जैसे कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जो टाइम है वो रिलेटिव होता है। अब जैसे कि अगर आप मार्वल फैन हैं और आपको मून नाइट का पहला एपिसोड काफ़ी पसंद आया है, तो आपको ये जो वीक है ये काफ़ी लंबा लगा होगा, लेकिन फिर भी अब तो आप लोग ने एपिसोड 2 देख लिया होगा और ये जो एपिसोड है ये एक बेंचमार्क बन गया, यानी कि ये पहले एपिसोड से भी काफ़ी अच्छा गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को एक और नई पर्सनैलिटी देखने को मिली जो कि थी मिस्टर नाइट की। आज हम लोग सब डिटेल में समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए मून नाइट के इस आज के एपिसोड को आप 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर स्टीव के फ्लैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी नींद खुलती है। उसके बाद वो शीशे की तरफ देखता है और मार्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क वहाँ पे दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो सीधे जाते हैं म्यूजियम में जहाँ पे पिछली रात की काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी हैरान था ये सब कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे स्टीव सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे भी कैमरा देखने दो और वो गार्ड उसको अलाउ कर देता है। अब बाद में यहाँ पर स्टीव को लग रहा था कि जो पीछे जैकॉल उसके पड़ा था उस कैमरे में दिखाई देगा और यहाँ पर सर सबके सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस कैमरे में यहाँ पर स्टीव को हम लोग भागते हुए देख सकते थे, लेकिन हाँ, यहाँ पर सीन के एंड में हम लोग को स्टीव का नहीं बल्कि मार्क का शक्ल दिखाया जाता था क्योंकि एक्सप्रेशन उसी के लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो म्यूज़ियम के ओनर होते हैं या फिर क्या मैनेजर होते हैं, वो स्टीव को जेल तो नहीं भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको स्टीव को कहना पड़ता है कि वो रिज़ाइन कर दे। और यहाँ पर स्टीव से बोलते भी है कि तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके बाद स्टीव वही स्टैच्यू मैन से बात करता है और यहाँ पे बातों बातों में स्टीव के पास एक सॉल्यूशन आता है कि उसके रूम में जो मार्क की चीज़ें पड़ी है उसको फाइंड आउट करके वहाँ से पता लगा कि आखिरकार वो है क्या। और बाद में उसको एक स्टोरेज रूम मिलता है जहाँ पे जाता है वो अंदर और उसको एक बैग में काफ़ी अजीब सी चीज़ें मिलती है जैसे कि गन, पैसे और यहाँ पर फाइनली उसको पहली बार मार्क का पासपोर्ट देखने को मिलता है। उन सब के बाद उसी बैग में उसे वो गोल्डन बीटर भी देखने को मिलता है या फिर हम लोग उसे स्कैरब भी कह सकते हैं, वो एक तरीके का दोस्तों कंपास है। अब दोस्तों यहाँ पे अचानक मार्क फिर आ जाता उसी लॉकर रूम में और स्टीव को बोलता है कि उसे अपनी बॉडी दे दे, लेकिन स्टीव बिल्कुल नहीं मानता है और लॉकर रूम के बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग को वापस से कोंशु दिखाई देता है और यहाँ पे दोस्तों पता नहीं क्यों कोंशु की आवाज़ एग्जैक्टली वेनम जैसी लगती है। अब यहाँ पे स्टीव कोंशु से डर के भाग जाता है, तभी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि होती है लायला। अब दोस्तों बाद में हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो लायला होती है वो मार्क की वाइफ होती है और यहाँ पे स्टीव काफ़ी ऑकवर्ड बिहेव करता है, लेकिन किसी तरह वो लायला को अपने फ्लैट में ले जाता है और मार्क की चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से मार्क कह देता है कि अगर तुमने लायला को सब बताया तो लायला की जान खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर जो स्टीव है वो लायला को कुछ बताता नहीं है, लेकिन तभी अचानक लायला को पता चल जाता है उस कैरब के बारे में और यहाँ पे लैला बताती है कि तुम मार्क कैसे बोल सकते हो, हम दोनों ने इसे मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे दोस्तों तभी अचानक पुलिस भी आ जाती है, लैला बच के छत के ऊपर चली जाती है। पुलिस यहाँ पे मार्क का सामान देख लेती है और ये सोचती है कि ये सब स्टीव का है और यहाँ पे उसे ले जाती है। और बाद में गाड़ी में चलते हुए यहाँ पे स्टीव को मार्क का डेटाबेस दिखाती है कि वो एक क्रिमिनल है, उसने कैसे काफ़ी जुर्म किए हुए हैं। और बाद में दोस्तों पता चलता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन जा नहीं रहे हैं और सीधे वो व्हीकल एक वीरान जगह पर रुकती है और यहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं असल में आर्थर के लिए। और यहाँ पे आर्थर स्टीव को बाहर निकालता है और यहाँ पे पीछे से कोंशु बोलता है कि तुम उसे ख़त्म कर दो, लेकिन आर्थर जानता है कि यहाँ पे कोंशु स्टीव से बातें कर रहा है। ये देख के स्टीव काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में किसी तरह आर्थर स्टीव को समझाता है कि वो क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे आर्थर स्टीव को बताता है कि पहले वो कोंशु का अवतार था, उसके बाद कोंशु के इरादे से ठीक नहीं लगे, यानी दोस्तों कोंशु का काम है जब कोई जुर्म करेगा तब उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आर्थर की जो आमिट है उनके अकॉर्डिंग जुर्म करने से पहले उसे सज़ा मिल जाएगी, इसलिए आगे जाके अर्थ पे कोई क्रिमिनल बचेगा नहीं। ये बात स्टीव को काफ़ी वियर्ड लगती है, लेकिन आर्थर कहता है वो जो स्कैरप है वो सीधे उन्हें ले जाएगा यहाँ पर आमिट के मकबरे पर और वो स्कैरप उसे हर हालत में चाहिए और तुम बता सकते हो वो कहाँ है। यहाँ पर तब फिर से मार्क आ जाता है और स्टीव को कहता है कि अगर तुमने बताया तो वापस से उसकी वाइफ की जान खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पे स्टीव ये सब नहीं बताता है और तभी आर्थर के लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे लायला की एंट्री हो जाती है और वो किसी तरह स्टीव को बचाते हुए भागने लगती है। लेकिन दोस्तों
आप लोग को याद होगा इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि आर्थर के पास एक अजीब सी छड़ी रहती है जो कि आमिट का वरदान रहता है या फिर कह उनका हथियार। अब दोस्तों इसी छड़ी के बलबूते वो एक बागड़ बिल्ले को बाहर निकाल लेता है या फिर कह इजिप्शियन जैकॉल को, जो कि यहाँ पे स्टीव और लैला के पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही मार्क आ जाता है और बोलता है स्टीव से कि उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल दे दे, लेकिन यहाँ पे स्टीव मना करता है और यहाँ पे तभी जैकॉल उन दोनों पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे स्टीव जैसे गिरता है एक बिल्डिंग से, वो तुरंत एक दूसरी पर्सनैलिटी पर चेंज हो जाता है जिसका नाम है मिस्टर नाइट। अब यहाँ पे दोस्तों उसके पास पावर तो रहती है लेकिन दिमाग खुद का रहता है, यानी अभी कंट्रोल मार्क के पास है नहीं। और यहाँ पे दोस्तों वो जैकॉल को डिफीट करने की कोशिश करता है लेकिन जैकॉल उन पे काफ़ी भारी है। और हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं स्टीव जैसे मिस्टर नाइट बना है उसके पास कुछ अलग तरीके की पावर्स आ गई है, और ये देख के स्टीव भी काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो जैकॉल बाकी सब पे भारी पड़ रहा है और वहाँ पे काफ़ी सिविलियंस भी है, तब यहाँ पे मार्क स्टीव से कहता है अगर तुम इन सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना कंट्रोल मुझे देना पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे मार्क के पास स्टीव की बॉडी का कंट्रोल आ जाता है और वो बन जाता है मून नाइट। अब मून नाइट का सबसे पहला काम होता है उस बागड़ बिल्ले को कहीं दूर लेके जाना ताकि वो लोगों को हर्ट ना कर पाए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं मून नाइट उसे काफ़ी आगे ले आता है और एक जंप के बाद उस पर एक अटैक कर देता है। उसके बाद दोस्तों वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में दोस्तों वो जो बॉडी का कंट्रोल है अभी भी मार्क के पास रहता है। लेकिन दोस्तों बाद में उसे ये पता चलता है वो जो स्कैरप है वो कहीं गिर गया है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं वो स्कैरप किसी होमलेस पर्सन को मिलता है, लेकिन आर्थर उसके पास पहुंच जाता है और उसे वो स्कैरप ले लेता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हम लोग देखते हैं लैला को जिसे पता चल गया है कि आर्थर के पास अब स्कैरप है, और वही दूसरी जगह हम लोग को ये दिखाया जाता है कि मार्क बैठा हुआ है और जो स्टीव है वो आईने के थ्रू उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। स्टीव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मार्क उसकी बॉडी ले लिया है, अब वो उसे वापस नहीं कर रहा है। ऊपर से वो मार्क पे काफ़ी ब्लेम करता है कि तुमने निर्दोषों की जान ली है। लेकिन दोस्तों मार्क स्टीव का जो शीशा है वो तोड़ देता है और बाद में यहाँ पे कोंशु की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे कोंशु ये कहता है कि तुम्हें उसका मिशन पूरा करना पड़ेगा और यहाँ पे स्कैरप को लाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मकबरे पे जाके आमिट को वापस से ज़िंदा कर देंगे। और यहाँ पे कोंशु के इरादे दोस्तों हम लोग को ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्क के पास वो मून नाइट की पावर नहीं रही तो जो पावर है वो आ जाएगी लैला के पास, जो कि मार्क बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि इससे लैला की जान खतरे में आ सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग को एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क नींद से उठता है और सीधे वो जो लोकेशन होती है वो होती है इजिप्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एपिसोड ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे जाके ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक जर्दी दिखाई जाएगी कि कौन वहाँ पे पहले पहुँचता है आमिट के मकबरे पे, क्या आर्थर जाके उन्हें ज़िंदा कर देगा या फिर मार्क और स्टीव मिलके किसी तरह उस कैरप को वापस ले लेंगे। और जब कोंशु का मकसद पूरा हो जाएगा तो क्या वो मार्क को आज़ाद करेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मून नाइट के एपिसोड 2 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।